ब्रॉक लेस्नर वर्सेस रोमन रेंस वन मोर टाइम। ये वाला वीडियो मेरे को इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे WWE के इंस्टाग्राम पोस्ट में भाई जब ब्रॉक लेस्नर ने रिटर्न किया था, यहाँ पे WWE ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला था, तो यहाँ पे भाई मैंने 100 से ज्यादा कमेंट्स ऐसे पढ़े थे जो कि लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई ब्रॉक लेस्नर वर्सेस रोमन रेंस का एक और मैच करा दो, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई यहाँ पे हम कोडी रोड्स के साथ इनकी बोरिंग स्टोरी लाइन नहीं देखना चाहते। उनका ये कहना था कि ब्रॉक लेस्नर भाई चैंपियनशिप मटेरियल है और बिना चैंपियनशिप के ब्रॉक लेस्नर को WWE में नहीं आना चाहिए, इससे अच्छा ये होना चाहिए कि ब्रॉक लेस्नर रिटायरमेंट ले WWE से। तो यहाँ पे मेरे को लगा कि चलो ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि देखो मेरे चैनल में भाई ब्रॉक लेस्नर और रोमन रेंस के बहुत ज़्यादा फैंस हैं। हालांकि YouTube मेरे से इस वक्त खुश नहीं है, मेरे एक वीडियो में 3000 व्यूज़ आता है और दूसरे वीडियो में सीधे 30 व्यूज़ आता है, तो यहाँ पे समझ नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन मैं उसी तरीके से वीडियोस बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, मेरा ऐसा है मानना है, अगर आप मेरे ओपिनियन देखना चाहते हो उसके बाद मैं आपके हिसाब से भी बात करूँगा, अगर थोड़ा सा बिजनेस के हिसाब से बात करोगे ना कि क्या WWE ब्रॉक लेस्नर वर्सेस रोमन रेंस कराना चाहती है, तो भाई WWE का सीधा से आंसर ये होगा कि जिस दिन हमारे पास कोई दूसरा सुपरस्टार नहीं होगा ना, तो हमारे पास सीधा सा एक ऑप्शन है कि ब्रॉक लेस्नर को रोमन रेंस के साथ लड़ा दें। अब देखो समर फ्लैम में ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम आपको देखने को मिला, WWE ने इसको ग्रेटेस्ट मैच बताया नहीं था, यहाँ पे WWE ने केवल ऐसे प्लान किया था कि भाई यहाँ पे रोमन रेंस का रैंडी ऑर्टन के साथ समर फ्लैम में मैच होने वाला था 2022 का, लेकिन क्योंकि समर फ्लैम में रैंडी ऑर्टन नहीं आया, यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को नेक इंजरी हो गई थी, तो यहाँ पे फिर ब्रॉक लेस्नर को लाया गया। और जब ब्रॉक लेस्नर और रोमन रेंस सामने सामने होते हैं तो इन्होंने 5 साल पुरानी स्टोरी लाइन को एकदम पूरा एक बार फिर से पूरा अपना वीडियो चला दिए, इनके जितने सारे मैचेस थे, जितने सारे मंडे नाइट रॉ में इनके जो फाइट्स वगैरह हुए थे, इनकी राइवलरी एकदम फिर से चला दी। तो यहाँ पे समर फ्लैम वाला मैच भाई ना चाहते हुए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया। अब देखो रोमन रेंस और ब्रॉक लेस्नर का जो रेसलमेनिया 39 वाला मैच था ना, कितना बढ़िया WWE ने बनाया था कि भाई बहुत बड़ा मैच होने वाला है, वो मैच एकदम बेकार हो गया। तो यहाँ पे जब WWE सोच के चलती है ना कि हम ये मैच को बहुत ही अच्छा बनाएंगे, ये वाली स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छा बनाएंगे, तो वो चीज़ें एकदम कचड़ा हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखो WWE के पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो ब्रॉक लेस्नर को रोमन रेंस के सामने ला के खड़ा करती है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगले एक साल में भाई रोमन रेंस और ब्रॉक लेस्नर का एक और मैच होगा, उसका मैं सबसे बढ़िया एक रीज़न बताता हूँ, थोड़ा सा बिजनेस के हिसाब से बात करूँगा और इंटरटेनमेंट के हिसाब से बात करूँगा। रोमन रेंस के पास अगर ब्लड लाइन को आप हटा दो, कोडी रोड्स को हटाने के बाद रोमन रेंस के पास कोई अपोनेंट नहीं बचेगा, फिर जितने भी सारे अपोनेंट्स हैं ना सब रिपीट होंगे। सर्वाइवर सीरीज में भाई सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के अपोनेंट रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार इनके पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, तो WWE चैंपियनशिप यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास है और यहाँ पे हेवीवेट चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस के पास है, तो यहाँ पे चैंपियन वर्सेस चैंपियन का ये लोग मैच करा देंगे। उसके अलावा अगर आप देखो तो भाई कुछ भी नहीं है इनके पास। ड्रू मैकइंटायर अभी रिटर्न किए हैं, 2022 में ड्रू मैकइंटायर हार गए थे, ड्रू मैकइंटायर ब्रॉक लेस्नर के जैसे सुपरस्टार नहीं है, तो यहाँ पे किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो सेथ रॉलिंस और उशोस के अलावा कोडी रोड्स को तो छोड़ दो, मेरे को लगता नहीं कि कोडी रोड्स अब जीतने वाले हैं, कोडी रोड्स का भी कचड़ा कर दिया WWE ने। अब उनकी जो स्टोरी है तो मेरे को पता नहीं जब तक चलती रहे जब तक वो WWE में है, लेकिन मेरे को तो अब इंटरेस्ट नहीं आता भाई, वो चैंपियन बने ना बने लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे देखो तीन सुपरस्टार को अगर आप हटाओ तो रोमन रेंस के पास कोई अपोनेंट नहीं बचेगा, मतलब सर्वाइवर सीरीज इस साल के अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई दिसंबर में अथवा अगले साल रॉयल रंबल में अथवा डेवन पेपर व्यू तो ये लोग कराते नहीं है, तो अगले साल के पहले पेपर व्यू अथवा इस साल के दिसंबर वाले पेपर व्यू में आपको रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेस्नर का राइवलरी एक बार फिर से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखने को मिले भी क्यों ना, देखो ब्लड लाइन को आप थोड़ा सा किनारे करते भी जाओ, लास्ट में तो पॉल एमन भाई भी किसी को छोड़ेंगे, यहाँ पे पॉल एमन भी तो ब्लड लाइन का हिस्सा है ना, अब पॉल एमन रोमन रेंस को छोड़ेगा तो किसके पास जाएगा भाई, घूम फिर के ब्रॉक लेस्नर उसके पास आ जाएगा। यहाँ पे ब्रॉक लेस्नर अगर आए तो फिर से इनकी स्टोरी लाइन चलती है। यहाँ पे देखो सेथ रॉलिंस को हटा दो और यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को हटाओ, कोडी रोड्स को हटाओ, तो फिर इनके पास क्या बचता है, फिर इनके पास ले देखे ब्रॉक लेस्नर बचेगा, क्योंकि उसके अलावा इनके पास सुपरस्टार ही नहीं है। अब छोटे मोटे सुपरस्टार से इनके मैचेस को करवाओगे तो भाई फिर रिपीटेड मैचेस लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ब्रॉक लेस्नर अगर इनके सामने खड़ा होगा ना तो भाई देखो ब्रॉक लेस्नर इनसे 1000 बार हार जाएगा, फिर भी अगर ये लोग अगर अगली बार भी खड़ा कर देंगे तो लोग इनको जरूर देखना चाहते हैं, क्योंकि इनका स्टार पावर इतना है, इनकी राइवलरी इतनी है। तो इस तरीके से आप देखो भाई कि WWE किसी भी मोमेंट में आकर ब्रॉक लेस्नर को लेके आती है रोमन रेंस के सामने, तो यहाँ पे भाई ब्रॉक लेस्नर तो एकदम बवाल मचाएंगे, चाहे भले मैच हारे या जीते, WWE के लिए एकदम पैसा पीटने वाली पूरी बात होगी। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अपना प्रोडिक्शन कर देता हूँ तो अगले एक साल में आपको एक मैच जरूर देखने को मिलेगा रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेस्नर का। आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो कमेंट में बताना, बाकी आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सब्सक्राइब करो या नहीं करो, जब मेरा मन पड़ेगा तब वीडियो बनाऊंगा, देखना होगा देख लेना, नहीं तो। यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड हैव अ नाइस डे।